हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो डेली के मुद्दों पे नहीं है, आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पर नहीं है, वीडियो कुछ अलग है, तो इसे फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिएगा इस फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, ये हमारी आज की न्यूज है, चलिए देख लेते हैं ये किस चीज के बारे में है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीसीएसयू मेरठ न्यूज, प्रवेश से पहले ही छात्र छात्राओं को कॉलेज बताएगा टाइम टेबल, तैयार होगा क्लस्टर। ये आप लोगों के एडमिशन से रिलेटेड न्यूज है। गाइस, अभी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा मुद्दे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है, लेकिन डेली ही कुछ एक जैसी न्यूज आ रही है, आज कुछ अलग अभी तक न्यूज मुझे नहीं दिखी है। गाइस, उन सबके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब हमें एडमिशन कैसे मिलेगा और नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या जो चेंजेस हैं वो सिलेबस में किए गए हैं, तो यहाँ पर हम वही देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मेरठ में स्नातक में वर्ष 21-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है, विश्वविद्यालय स्तर पर नया सिलेबस भी तैयार हो चुका है, यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से नया सिलेबस आप लोगों का रेडी हो गया है। अब उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश नियमावली प्रक्रिया और टाइम टेबल समय सारणी को लेकर दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। आप लोगों के जो कॉलेज का जो कोर्सेज के टाइम टेबल होगा उसके लिए अभी दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, बाकी आप लोगों का सिलेबस यहाँ पर तैयार हो चुका है ऐसा बोला जा रहा है। मेरठ जागरण संवाददाता, सीसीएसयू मेरठ न्यूज, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश से पहले छात्र छात्राओं को कॉलेज के टाइम टेबल का पता चल जाएगा, मतलब कि आप लोगों के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले ही आप लोगों को टाइम टेबल पता चल जाएगा, ये अच्छी बात है, वरना अभी तक तो जब हम एडमिशन ले लेते थे उसके भी काफी टाइम बाद हमें पता चलता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को कई विषय की पढ़ाई करनी है, इसमें जिस कॉलेज में छात्र प्रवेश ले रहे हैं अगर वह विषय संबंधित कॉलेज में नहीं है तो छात्र दूसरे कॉलेज में संबंधित विषय में प्रवेश ले सकता है, इसके लिए कॉलेज का आपस में क्लस्टर तैयार किया जाएगा, मतलब कि आपने जिस कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है अगर उस कॉलेज में आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो वो नहीं है तो आप दूसरे कॉलेज में उस सब्जेक्ट के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आपका जो मेन एडमिशन है वो कॉलेज ए में ही रहेगा, लेकिन कॉलेज बी में आप लोग अपने उस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे में कॉलेज को आपस में डील करनी पड़ेगी, आप लोगों को परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तैयार हो चुका नया सिलेबस, स्नातक में वर्ष 2021 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है, विश्वविद्यालय स्तर पर नया सिलेबस भी तैयार हो चुका है। अब उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश नियमावली प्रक्रिया और टाइम टेबल को लेकर दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि आप लोगों के यूनिवर्सिटी लेवल पर सिलेबस रेडी हो गया है, अब आप लोगों के एडमिशन के रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस और आप लोगों का टाइम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। विभागीय जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय और कॉलेजों को प्रवेश की नियमावली प्रक्रिया शासन आदेश के अनुसार 1 माह के भीतर तैयार करना होगा, यानी कि 1 महीने का टाइम दिया गया है इन सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस और टाइम टेबल के जो दिशा निर्देश है उनको जारी करने के लिए, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21-22 से क्रियान्वयन किया जा सके। इसमें चौधरी चरण सिंह विवि को सुनिश्चित करना होगा कि सभी कॉलेजों में प्रवेश शुरू होने से पहले अपने टाइम टेबल यानी कि समय सारणी तैयार कर ले, ठीक है, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सके जिनकी कक्षाएं अलग अलग समय पर संचालित होती है, कक्षाओं के समय में ओवरलोडेड ना हो इसका ध्यान रखना होगा। इसमें कॉलेज टाइम टेबल इस तरह से बनाएंगे कि छात्रों को अन्य संकाय के विषय को चुनने का अधिक से अधिक विकल्प मिल सकेगा। गाइस, इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर आर्ट्स की स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हो तो किसी और स्ट्रीम के सब्जेक्ट को भी ऑप्शन के तौर पर आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ पर डिटेल में इस बारे में बताया हुआ है, चलिए वहां मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले चुनेंगे संकाय, स्नातक प्रथम वर्ष में छात्रों को कई विषय पढ़ना है, इसमें प्रवेश लेते समय छात्रों को सबसे पहले कला विज्ञान वाणिज्य के एक संकाय को चुनना होगा। जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे तो सबसे पहले आपको आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में से किसी एक स्ट्रीम को चुनना है, संकाय चुनने के बाद उस संकाय से जुड़े 2 मेन सब्जेक्ट आप चुनेंगे, जो भी स्ट्रीम आपने लिए उसके 2 मेन सब्जेक्ट आप लोग चूज कर लेंगे। छात्र जिस संकाय को चुनेगा उसी संकाय की उसे डिग्री मिलेगी, आप जिस स्ट्रीम को लोगे उसी स्ट्रीम के हिसाब से आपको डिग्री मिलेगी। तीसरे मुख्य विषय का चुनाव किसी भी संकाय से कर सकेंगे, मतलब आपको जो तीसरा सब्जेक्ट लेना होता था ग्रेजुएशन में वो आप जिस स्ट्रीम को आपने चुना है उसको नहीं किसी भी स्ट्रीम से ले सकते हो, ठीक है। छात्रों को दूसरे और तीसरे विषय में मुख्य विषय बदलने की सुविधा रहेगी, आप लोगों को सेकंड और थर्ड ईयर में मेन सब्जेक्ट को चेंज करने की यहाँ पर छूट मिलेगी। छात्र विश्वविद्यालय और कॉलेज में उपलब्ध विषय के आधार पर हर साल विषय भी बदल सकेंगे, ये अच्छी चीज है गाइज। पहले सीसीएसयू में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू में होता था, लेकिन यह सुविधा 1 साल बाद मिलेगी, मतलब आप फर्स्ट ईयर में तो कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, सेकंड ईयर के बाद आप लोग चेंज कर सकते हैं। माइनर इलेक्टिव पेपर भी संकाय से लिया जा सकता है,
बहुविकल्पीय के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर भी सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय से लेना होगा। मतलब आप लोगों का माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य है, वो जैसे हमारे फाउंडेशन कोर्सेज होते थे कि वो सभी को लेने पड़ते थे और अलग से होते थे, ऐसे यहाँ पर माइनर इलेक्टिव पेपर होगा आप लोगों का। तो यहाँ पर ये अच्छी चीज है आप लोगों को कि हर साल सब्जेक्ट को चुनने का मौका दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अनिवार्य विषय लिखा हुआ है कौन कौन रहेंगे। छात्रों को स्नातक प्रथम द्वितीय चतुर्थ पर स्नातक में माइनर इलेक्टिव विषय लेना अनिवार्य है, तीसरे पांचवें छठे वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर लेना अनिवार्य नहीं है। तो गाइस जैसा यहाँ पर बोला जा रहा है उसके हिसाब से तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, एडमिशन प्रोसेस है, वो काफी अच्छा तैयार किया जा रहा है। आप लोगों को सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप किसी आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आप लोग एक सब्जेक्ट साइंस या कॉमर्स का भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आर्ट से पढ़ रहे होते हैं, उनका साइंस का एक दो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो अब वो साइंस के उस एक दो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं आराम से आर्ट स्ट्रीम के साथ रहते रहते। और काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस के होते हैं लेकिन उन्हें आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, तो अब वो आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं साइंस स्ट्रीम में रहते रहते। तो ये काफी अच्छी न्यूज है, अगर जैसा ये लिखा है इसी तरीके से इंप्लीमेंट होगा तो काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो गाइस यही न्यूज कुछ आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी न्यूज दिखा दी है। तो चलिए अब आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।